हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कॉटन की साड़ियाँ हैं, इसको केरला कॉटन भी बोलते हैं, जरी बॉर्डर के साथ देख रहे हो जैसे, इसमें गोल्डन कलर के जो है बहुत खूबसूरत जरी बॉर्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 साड़ियाँ रखी हैं, तो लगभग मैं इसमें से कुछ खोल के आपको मैं दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बारी बारी से मैं यहाँ खोल के साड़ी को दिखा देती हूँ। सारे साड़ियाँ जो है मल्टी कलर में बने हुए हैं, फिश और पिकॉक दोनों मिक्स करके। तो यहाँ मैं फर्स्ट साड़ी आपको खोल के दिखा रही हूँ। देखिए इसमें कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड आउटलाइन जो है ब्लैक से किया गया है। फर्स्ट मैं यहाँ ब्लाउज से स्टार्ट कर रही हूँ। ये ब्लाउज का बैक साइड है, जैसे कि आप देख रहे हो। बैक साइड में मैं सारे वीडियो में बोलती हूँ कि बैक साइड जो भी होते हैं डिज़ाइन डलते हैं वो बॉर्डर से जुड़े हुए होते हैं। जो भी बॉर्डर में डलते हैं डिज़ाइन वही बैक साइड पे और बाजू पे भी डलता है। ये बाजू का है, आप देख रहे हो, और उसी में से जो बॉर्डर है मैच करता हुआ जो बैक साइड पर और बाजू पर भी डाला जाता है। देखिए ये हो गया बैक साइड का। यहाँ से 1 मीटर में जो है, 1 मीटर हम लोग ब्लाउज के लिए छोड़ते हैं, उसमें आप जैसा ब्लाउज चाहो बना सकते हो। तो 1 मीटर में आप उसमें बना लो बाजू एक साइड एंड एक साइड बैक साइड का। देखिए यहाँ से इतना छोड़ के, लगभग 3-4 इंच छोड़ के फिर आप बॉर्डर स्टार्ट कर सकते हो। ये बॉर्डर है, पूरा साड़ी सेम डिज़ाइन गया हुआ है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। बॉर्डर की चौड़ाई जो है लगभग 5 इंच है, और साड़ी भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये प्योर केरला कॉटन है, बहुत खूबसूरत गोल्डन जड़ी बॉर्डर के साथ है, और पूरा ऑल ओवर साड़ी पे जो है इस तरह के छोटे छोटे बूटी डाली गई है। देखिए पूरा साड़ी इसी तरह से ये बॉर्डर हो जाएगा। हाँ, और ये इसमें से आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा वो भी आप मुझे बताना कमेंट करके। देखिए अब मैं इसका जो है आगे का भी, जहाँ तक गया हुआ है बॉर्डर वो दिखा रही हूँ। इसका जो है आँचल है 1 मीटर में बना हुआ है, 1 मीटर में आँचल है, और 5 इंच बॉर्डर है, ऊपर के बॉर्डर है 3.5 इंच और बूटी है। देखिए इस तरह से ये पूरा बॉर्डर बना हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख रहे हो, वाइट है, तो वाइट कलर का जो भी मटेरियल होते हैं, वाइट या ऑफ वाइट या लाइट कलर, जो भी क्लॉथ का रहता है लाइट कलर में, उस पर आप कोई भी कलर जो है डाल सकते हो, अच्छा ही लगेगा। देखिए अब मैं इसका आँचल आपको दिखा देती हूँ। आँचल में आप देख रहे हो जैसे कि वरमाला डाला गया है, दो मंडप शेप करके, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। कलर कॉम्बिनेशन भी मिक्स करके डाला गया है। देखिए और लगभग दोनों साड़ी में, लगभग जितने भी साड़ी बनते हैं साड़े में ह्यूमन मोटिव्स होते ही हैं। तो इस तरह से अगर आप नहीं, आप अगर बनवाना चाहते हो तो आप ह्यूमन मोटिव्स, बिना ह्यूमन मोटिव्स के भी बनवा सकते हो। तो देखिए इस तरह से नीचे से आँचल में 3 इंच छोड़ के बनाया जाता है। कोई भी साड़ी लीजिएगा आप, नीचे से 3-3.5 इंच छोड़ के ही बनाइएगा। देखिए ये 1 मीटर का पूरा आँचल है, जड़ी बॉर्डर को मैनेज भी 1 मीटर में किया गया है। देखिए अगर आप ऐसे देखते हो तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में वरमाला। तो अब अगली साड़ी भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है उसमें बना हुआ। तो देखिए सारा सेम ही है, मटेरियल सबका सेम ही है, कोई अलग नहीं है, सारे मटेरियल सेम ही है। तो इसमें भी मैं दिखा देती हूँ, हालांकि सारे साड़ी में जो है थीम वर्क ही हुआ है, किसी में जयमाला है, किसी में डोली कहार है, किसी में ये है रास है, तो मैं सब एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये ब्लाउज है, शुरुआत में ब्लाउज से ही कर रही हूँ, तो ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज का बाजू है, और यहाँ बैक साइड बना हुआ है। बैक साइड पे भी आप देख ही रहे हो कि बॉर्डर से मैच करता हुआ मोटिव्स डाला गया है। देखिए इस तरह से,
और मैं, हाँ, एक बात और बता दूँ कि इसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में इसका मैंने बॉर्डर स्केच करके आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो इसमें पूरा कलर भर गया है और साड़ी पूरी तरह से तैयार है। तो सोचिए कि मैं भी ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप समझ पाओ कि इसमें मैंने कलर कॉम्बिनेशन कैसा सेट किया है। देखिए पूरी साड़ी है इसी तरह से वर्क, बूटी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने ज़्यादा बड़े बड़े बूटी नहीं डाले हैं, हालांकि बॉर्डर जो है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, हाईलाइट कर रहा है, तो बूटी मैंने छोटी छोटी डाली है। बूटी में भी आप देख रहे हो, एक में मैंने रंगनी डाली है रेड से और एक में ऑरेंज से, मिक्स करके अच्छा लगता है। तो इसका वर्क भी देख रहे हो आप, एकदम से नीट एंड क्लीन है, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो अगर आपको पसंद हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वर्क कैसा लगा। देखिए मैं आगे की तरफ भी दिखा देती हूँ, देखिए पूरा साड़ी में इसी तरह से वर्क बने हुए, देखिए पूरा बॉर्डर सेम डिज़ाइन, एंड ऊपर के बॉर्डर भी इसमें कुछ अलग है। देखिए बाजू पे आपने देखा होगा, बाजू पे सेम डिज़ाइन बाजू पे डाला गया है इस तरह से। हम इसका आंचल भी आपको दिखा देती हूँ, इसके आंचल में रास डाला गया है कृष्ण के साथ, कृष्ण राधा और सखियाँ। देखिए मैं इसका भी आपको खोल के दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से इसका आंचल में जो वर्क है इस तरह है। और साथ में फिश भी दिया गया है, फिश गुड लक का शाइन होता है, तो मैंने फिश भी यहाँ डाली हुई हूँ। तो आप देख रहे हो रास है, और कलर भी सारे मेरी वाइट साड़ी पे आप लगभग कलर कॉम्बिनेशन सब में सेम ही है, आप देख ही रहे हो इस तरह से। पूरा आंचल का वर्क भी इसमें भी सेम 1 मीटर आंचल में ये बना हुआ है, देखिए नीचे से 3.5 इंच छोड़ के। देखिए पूरा में जो है इसी तरह से वर्क किया गया है। तो आपको दोनों साड़ियाँ में से कौन सी साड़ी ज़्यादा पसंद आई वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।